हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल नबीला शादन ब्लॉग्स पे। और माशाल्लाह आज है हमारी नौवीं सहरी और माशाल्लाह देखते देखते आज आठवां रमजान भी कंप्लीट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोग कैसे गुजर रहे हैं रमजान, प्लीज कमेंट में बताइएगा। और अभी बज रहे हैं रात के 1:30 और हम लोग की सहरी लग चुकी है यहाँ पे। और हमेशा की तरह आज फिर से वही सहरी, एक दिन का गैपिंग हो गया था हमारा पारोटी मक्खन, फिर आज वही आ गया। पराठा है, हलवा है और आलू की सब्जी है। और यहाँ पे है मेरी कैमरा पर्सन तशु अली, हेलो बोलो, बोलो हाय अब्बाए। और यहाँ पे मेरी अम्मी जान कहती है माशाल्लाह, बैठी हुई है यहाँ पे। कैसी हो अम्मी? बहुत अच्छी। कुछ बोला करो तुम, सलाम करो पहले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब बताओ, आपकी दुआ है सबकी। मुझसे ज्यादा तुम्हारे चाहने वाले हैं फैंस, सब बोलते हैं अम्मी को दिखाओ। तो लो अम्मी को देखो, सब मुझे मानते हैं। हाँ, सबके लिए मैं दुआ करती हूँ, सब अच्छे रहे। हाँ भाई सही तो बात है, अच्छे से रमजान हो जाए, ईद हो जाए, सब दुण दुण। और आप लोग भी सब दुआ करना। अम्मी की भी तबीयत ऐसी है, रहती है बहुत ज्यादा अभी तकलीफ में, उनका घुटने में बहुत दर्द रहता है, रात भर सोती नहीं उनका, ऐसी निकल जाता। दुआ करना कि अम्मी की भी तबीयत अच्छी रहे बस। और पापा तो है नहीं, बस अम्मी को अल्लाह लंबी उम्र दे और अम्मी हमारे साथ ऐसी बैठी रहे बस, है ना अम्मी। और जरियान की शादी देख कर जाए अल्लाह करके, क्योंकि अम्मी को मुझे जरियान की शादी में बनारसी की साड़ी भी पहनानी है। अच्छा माशाल्लाह। तो फ्रेंड्स चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं आया था कुछ दुकान के काम से निकला था और यहाँ पर जब बारिश हो गई तो लगभग मुझे हो गया आधे घंटा खड़ा होकर यहीं पे खड़ा होके हूँ, चाय की दुकान है यहीं पे। और ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है क्योंकि मैं भीग गया हूँ काफ़ी और तबीयत भी अच्छी नहीं है और ज़्यादा ठंड लग रही है, भीग कर बहुत ठंड लग रही है। और चाय की दुकान के पास हूँ, धीरे चाय पीने का, इन रोज़े में तो पी भी नहीं सकता हूँ, तो वेट कर रहा हूँ कब रुकेगी नहीं रुकेगी पता नहीं, तो जल्दी से रुके तो निकलूँ। एकदम काला हो रहा है बादल, मुझे तो नहीं लगता अभी और आधे घंटे पहले रुकने वाली है, जब तक नहीं रुकेगी अभी रुकूँगा क्योंकि ऑलरेडी मैं काफ़ी भीग गया हूँ और भीगना नहीं है मुझे। तो चलिए फ्रेंड्स अब यहाँ से निकलता हूँ, तब आपसे मिलता हूँ, तो आप लोग बने रहिए, मिलता हूँ थोड़ी ही देर में। फ्रेंड्स आज हमने ज़्यादा तैयारी अपनी दिखाई नहीं बनाने में, क्योंकि मौसम थोड़ा ऐसा हो रहा था ना, तो हम लोग सब थोड़ा सा नमाज वमाज पढ़ के सो गए थे, तो हम लोग की आँख काफ़ी लेट खुली। फिर जल्दी जल्दी उर्शी ने स्प्रिंग रोल बनाया और दाल की पकौड़ी बनी और प्याज का भी आइटम कुछ बनाया। क्या कह रही थी कि ये आज इफ्तारी में है नहीं क्योंकि ये बाहर है, तो बस सूना सूना लगेगा। क्या बकरी में क्या बोल रही नहीं हाँ, तो ये अफ्तारी में है नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि ये बाहर गए हुए हैं तो आने में काफी लेट होगा, तो इसलिए मैं शूट कर रही हूँ। तो चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी ही देर में। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग रात के 10 बज रहे हैं और शाम में एक्चुअली जरियान को लेकर था डॉक्टर के पास अफ्तार के बाद, क्योंकि उसका जो वही जॉन्डिस का था ना, जॉन्डिस नॉर्मल हो गया माशाल्लाह, लेकिन दुबला बहुत हो रहा है जैसे कि आप देख ही रहे हैं, इसको सूख के लट्ठो हो गया, कुछ खाना नहीं मांग रहा, भूख मर गई है और इसके बहुत ज़्यादा हड्डियों में पेन हो रहा है, मुझे लग रहा है कैल्शियम की भी कमी है। तो शाम में ले गया था डॉक्टर के पास, तो उन्होंने वही बताया कैल्शियम की दवाई दी है और एक टॉनिक दिया है और एक दवाई दी है और जॉन्डिस अल्हम्दुलिल्लाह पूरा खत्म हो गया बोले हैं देखकर, बोले एकदम ठीक है, बोले अब जो खाना खिलाइए बाहर का अवॉइड करने, चिप्स अवॉइड करने, बाकी बोला जो मांग रहा है खाना मांग रहा है खिला दीजिए। और फिर अभी जो है मेरी भी तबीयत सही नहीं है, साहिबा की भी नहीं है, तो हम लोग भी अभी अपने जो मेरा जो फैमिली डॉक्टर है उनके पास मैं और साहिबा गए थे, तो हम लोग भी दिखा दिए, तो हम लोग तो बोले वायरल फीवर है, मतलब ऐसी वो क्या बोलते हैं मौसमी बुखार है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, तो हम लोग भी दवाई दी है हम लोग को और एंटीबायोटिक दिए हैं, तो हम लोग अब मैं जा रहा हूँ तीनों की दवाई साथ लेने, अपनी साहिबा की और जरियान की, तो दवाई वाई लें। भूख भी लग रही है क्योंकि घर में आज जो है कुछ बना नहीं है खाना, क्योंकि आज अम्मी की बेचारी तबीयत सही नहीं थी, इसका भी ऐसी है, तो अम्मी बोली आज बनाऊंगी नहीं, और सहरी भी अम्मी बोली सहरी तो करते ही है तो हेवी हो जाता है डबल डबल, तो मतलब बात तो सही, लेकिन मुझे लग रही है भूख बहुत जोर से, तो अभी हल्का फुल्का पहले दवाई लेंगे या पहले कुछ खा लेंगे तब दवाई लेंगे, फिर सीधा घर जाएंगे, फिर सहरी वहरी करेंगे, उसको तो फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा। अभी जा रहे हैं थोड़ा सा न्यू मार्केट की तरफ, क्योंकि मुझे एक तो सामान भी लेना, अगर मिल गया इतने बजे तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे तो नहीं लग रहा कि अभी खुला, तब भी ट्राई करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स निकलते हैं यहाँ से और दवाई वाई लेना है, कुछ खाते हैं, कुछ न्यू मार्केट से तो सामान लेना है, और न्यू मार्केट से जनान का सामान लेना है, मेरा तो अभी लेना नहीं है, गड़ियान मुकाची का लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स पेट्रोल भी नहीं है गाड़ी में, पेट्रोल ले लेते हैं, पेट्रोल पंप आ गया, पहले पेट्रोल ले लेता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ, तो आप लोग बने रहिए, मिलता हूँ थोड़ी ही देर में। फ्रेंड्स हम लोग न्यू मार्केट आ गए हैं और जो वहाँ से जरियान का लेना था सामान वो शॉप बंद हो गई है, तो हम लोग नहीं ले पाए, अब उसके लिए हम लोग को वापस से आना पड़ेगा, उसके लिए अब हम लोग को शाम में आना पड़ेगा।
रुपए माशाल्लाह आज हो गए 9, बस और 15 रमजान के 16 के बाद आपको यहाँ पे इस वक्त जब पाँव रखने की जगह नहीं मिलेगी, और अभी भी शाम में आएगा तो माशाल्लाह भीड़ है, लेकिन और 15 रमजान के बाद तो फिर यहाँ पे मजा आएगा। देखता हूँ चलाना चाहता हूँ, 15 रमजान के बाद कोशिश करूंगा कि एक बार जो है जरूर आपसे शेयर करूँ यहाँ की जो शाम वाले नज़ारे होते हैं, यहाँ का कुछ लोकल फूड स्ट्रीट फूड सब कवर करूंगा। अभी तो वैसी कोई रौनक है नहीं, है ना साहब? हाँ, वैसे तो नहीं है, उसके लिए काफी और 10 दिन रुकना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग आए हुए हैं, क्या नाम है, खालसा रेस्टोरेंट, जो कि इसके ऊपर मैंने पूरे एक अच्छे से वीडियो बना चुका है इससे पहले भी, तो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के एंड में उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग देख लेना। तो यहाँ पे हम लोग आए हैं, कुछ अच्छा खाने का दिल हो रहा था, तीखा विखा उस टाइप का, तो अभी आए हैं यहाँ पे, आलू का पराठा लिए हैं, ज़्यादा नहीं एक ही एक लिए हैं, और जरियान को नहीं चाहिए, उसको क्या खाना है आज? फ्रेंच फ्राइज। डॉक्टर बोल दी जो खाना खाओ, है ना, लेकिन चिप्स और कोल्ड ड्रिंक मना किए। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने चाय और आलू का पराठा लिया, चाय आ रही है और यहाँ पे अचार, और दो पार्सल करवाऊंगा, तस्मे का ही फोन आया था, भूख लग रही है उसको, तो वो लोग का भी ले जाऊंगा, फिर तो सैरी करनी है हेवी, इसलिए हल्का ही अभी एक एक खाएंगे तो हो जाएगा, है ना साहिबा? और कुछ बोलो, आज तो अल्लाह का शुक्र है मेरी तबीयत लेकिन एकदम डाउन हो गई, आज मेरी एकदम नीचे हो गई पूरी। तो चलो फ्रेंड्स यही है माशाल्लाह ओवरऑल, तो उसको फिनिश करते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से, तो आप लोग बने रहो, मिलता हूँ थोड़ी देर। सो फ्रेंड्स अब ये गए हैं दवाई लेने हम लोगों की, शाम में जरियान को भी दिखा दिया था, तो इन्होंने कहा था कि एक साथ ही हम लोग सबकी दवाई ले लेंगे, और ये अभी दवाई लेने गए, और उनको बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार है इस वक्त, जिस वजह से ये चिड़चिड़ा रहे, ऊपर से ठंड भी लग रही है, और वेदर आप लोग देखिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है मौसम, ये देखिए बहुत ज़्यादा चिल वेदर है, मस्त है एकदम मौसम। और अब हम लोग जा रहे हैं घर, अब जरियान का एक बार फ्रेंच फ्राइज लेना है, बस फ्रेंच फ्राइज लेते हुए अब घर जाएंगे। सो फ्रेंड्स हम लोग अब घर आ चुके हैं, और अब आपसे मैं यहीं इजाज़त चाहूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल पर अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आज के व्लॉग को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपना ढेर सारा प्यार यहीं बरसाते रहें। सो फिर चलिए फ्रेंड्स, इंशाल्लाह कल मिलता हूँ एक नए और धमाकेदार व्लॉग के साथ शाम 7 बजे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर और बाय बाय।